चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर डिस्टेंस 2L अपार्ट। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। द वर्क डन मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग सर्कुलर सेमी सर्कुलर सी आर डी। ठीक है, देखो यहाँ पर ए पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और बी पे क्या रखा है माइनस क्यू। ठीक है, बी पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2L, तो 2L दोनों के बीच की ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, 2L डिस्टेंस है। C इज द मिड पॉइंट, C मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस L होगी, ये डिस्टेंस भी L होगी, करेक्ट है। और ये सेमी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ये डिस्टेंस भी L होगी, करेक्ट है। और प्लस क्यू चार्ज ये यहाँ से मूव करा रहे हैं, प्लस कैपिटल क्यू को यहाँ से मूव करा के यहाँ ले जा रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू वीडी माइनस वीसी, हम लोग लिखते हैं ऐसे, क्यू नॉट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो और डी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो और वैल्यू यहाँ रख दो। और क्यू नेट क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो प्लस क्यू है। ठीक है, आपको इन दोनों चार्जेस की बेसिस आपको सी और डी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। सी पॉइंट पे पोटेंशियल पहले चार्ज, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, के प्लस क्यू अपॉन सी पॉइंट पे, डिस्टेंस कितना है सी से, एल है। ठीक है, दूसरे चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, एल है। दोनों वैल्यू सेम है, जीरो आ जाएगा और माइनस में है, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों वैल्यू कट जाएगी, जीरो आ जाएगा। डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए लॉजिकली, डी पॉइंट का पोटेंशियल पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, के प्लस क्यू अपॉन थ्री एल, और दूसरे चार्ज की वजह से, दूसरा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस के माइनस क्यू अपॉन एल। सॉल्व कर लो, के क्यू बाई एल वन बाई थ्री माइनस वन, ये आएगा तो आ जाएगा माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू के क्यू बाई एल आ जाएगा डी पॉइंट का पोटेंशियल। तो ए सी पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, डी पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, डी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट वी डी माइनस वी सी। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू रख दिया हमने। वी डी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू के क्यू बाई एल माइनस जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल। के की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ना, वैल्यू पुट कर दो, माइनस टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल आएगा, टू बाई थ्री आना चाहिए था ना, ये टू बाई थ्री आएगा ना, ये मिस होगा, वी डी वी डी का पोटेंशियल टू बाई थ्री, ये थ्री होगा, ये थ्री है, तो कितना हो जाएगा टू टू, ये हो जाएगा वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो ये आ रहा है कितना, माइनस के क्यू अपॉन सिक्स पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस के क्यू अपॉन फोर सिक्स पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना ये वाला।